असद मेरी बात का यकीन करें, ऐसा चलो कुछ मेरे साथ। असद मेरी बात सुने, असद तुम भी ना अपने बाप पर गई हो मीसनी घुनी, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती माँ के लिए। हाँ भाई कहो था, चाय लाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ। भाई अम्मी बुला रही, कोई बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जी अम्मी। क्या हुआ अम्मी, कमोड ऑफ लग रहा है, सब ठीक है ना? तुमने अपनी पसंद से शादी की, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ये रूमी क्या समझती, अपनी मनमानी करती फिरेगी, जो मुंह में आएगा बोल देगी। समझाओ इसे, क्योंकि ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि रूमी पता नहीं कैसे और किन लफ्जों में तुम्हारे कानों में ये बात डाले, इसीलिए मैंने पहले तुम्हें बुलवा लिया। तुम्हारी बीवी जूनी पर घटिया इल्जाम लगा रही थी। आओ मेरे साथ, तफसील से बताती हूँ तुम्हें। अब तुम ही बताओ, मेरी जूनी कोई ऐसी है जो किसी भी अरे गैरे से अफेयर चलाती फिरे? मैंने रूमी को समझाया तो इसने समझाया। आंटी आपने मुझ पे हाथ उठाया था। खुदा का खौफ करो लड़की, खुदा का खौफ करो। पहले तुमने मेरी बेटी पर तोहमत लगाई, अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम। जूनी तुम खड़ी थी ना, बताओ बताओ अपने भाई को बताओ मैंने इस पर हाथ उठाया क्या? भाई भाभी झूठ बोल रही, अम्मी तो आराम से समझा रही थी, भाभी बदतमीजी करी थी अम्मी के साथ, अम्मी ने कुछ नहीं किया। नहीं असद नहीं, ये सच नहीं है, मेरा यकीन करें आप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ला तौबा तौबा, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ को झुठला रही है, पहले भी तुम्हारी माँ को झूठा कहा इसने तुम्हारे सामने। ऐसी लड़कियां होती हैं जो झूठी सच्ची सुनाकर शौहर को अलग करने के हर पे आजमाती है। असद मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ मेरे साथ। असद मेरी बात सुने, असद तुम भी ना अपने बाप पर गई हो मीसनी घुनी, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती माँ के लिए। हाँ भाई कहो था। अब भाई किसकी शामत, अब पता चलेगा इसे। सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।